अब बोलो, हर पोलिंग स्टेशन पे, हर कैंडिडेट पे किसी को लाइफ थ्रेट दी है, किसी को इलेक्शन थ्रेट दिया है, किसी से चोरी की है। ये मत समझे कि कोई भी एक सीट अगर हम जीते हैं वो हम आसानी से, मैं खुद गवाही दे सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीड 60,000 की थी मेरे हलके में, और उसमें भी ऑर्डर आया था कि इसको रिवर्स करें। अब 20,000 में और 80,000 में 60,000 का वोट आप कैसे भरेंगे? इस तरह तैमूर भाई ने कहा कि बोरियां कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। तो ये प्लीज जरूर याद रखिएगा कि ये वारदात पाकिस्तान के हर एक पीटीआई ने जो खड़ा किया था कैंडिडेट, ये तमाम पे हुआ है। लेकिन क्योंकि अवाम इस तादाद में निकली है, हमारे वर्कर्स ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये लोग जंग पाकिस्तान की अवाम से छेड़ रहे हैं। ये जो स्टेबल पे बैठे हैं, हम तो उनके नुमाइंदे हैं सिर्फ। यहाँ पे हमारी जगह खंबा भी खड़ा होता तो उसको ये वोट पड़ना था। ये इनको समझ नहीं आ रही। क्यों बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स रिपीट करना चाह रहे हैं? एक इलेक्शन से हमारा पाकिस्तान आधा हो गया था। तो ये आप प्लीज, आपके तवस्सुत से सारे पाकिस्तान को ये पहुंचना चाहिए कि ये डाका डाला उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की विरासत पे। हमारी जाति क्या फर्क पड़ता है? हम तो खान साहब के सिपाही हैं, कहीं ना कहीं हमें फिट कर देगा, किसी को ऐसे पीएम बना देगा, किसी को क्या बना देगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये अवाम के साथ कर रहे हैं। शुक्रिया। कामरान, ये कामरान, ये हमीदुल हक साहब का रिजल्ट भी बता दें। 24 जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे सब दोस्तों ने बात की, मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को कामयाब कराया। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन आरओज ने और जिन डीआरओज ने आईने पाकिस्तान की जो कुलम खुला खिलाफ वर्जी की है, आईने पाकिस्तान का इब्तदाइया प्रियम्बल यह है कि हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को दी जाएगी। यहाँ पे फॉर्म 45 जिन जिन हलकों के पहुंचे उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स फॉर्म 47 दिए गए, और रात के अंधेरे में बंद कमरों में जो मीटिंगें हुई, जो जूम मीटिंग्स हुई, जो लोगों से मोबाइल लिए गए, वहां पे मौजूद अमले से उनसे मोबाइल लेकर जो मीटिंग्स हुई और जो हिदायत आई, उसके बाद जो हमें बताया गया कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं ये बता देना चाहता हूं कि एक तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो यहां पे बैठे हुए हैं। हम सब जीत चुके हैं अवामी अदालत में भी, कानून में भी, इलेक्शन और इलेक्शंस में भी हम भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमें हल्के के लोगों की जानिब से खवातीन, मर्द, बूढ़े, नौजवान, इसमें बहुत बड़ी तादाद में वो नौजवान हैं जिन्होंने पहली दफा वोट कास्ट किया। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, आपके आप जो वोट डालें या जो आईन में आपकी जिम्मेदारी है उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ अपने हल्के की अगर बात करूं, और फिर हामिदुल हक साहब के हल्के की भी मैं डिटेल्स बताता हूं। मेरे हल्के में जिस उम्मीदवार को जिताया गया, मलक तारिक आवान साहब, वो छठे या सातवें नंबर पर हैं। मेरा मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के साथ था और उससे भी 5 गुना ज्यादा वोट हल्के के अवाम ने डाले। मजे का खेज बात यह है कि मलक तारिक आवान साहब की अपना गांव जो है, अपना मोहल्ला, वहां पे मैंने 238 वोट लिए फॉर्म 45 के तहत, और मलक तारिक आवान ने सिर्फ 38 वोट लिए। और मेरा जो अपना मोहल्ला है वहां पे मैंने 570 वोट लिए और मलक तारिक अवान ने सिर्फ 11 वोट लिए। तो आप डिफरेंस को देख लें और फिर रिजल्ट्स को। छह मिगोइया ये हैं कि आर ओ साहिबान, इल्जामात ये हैं, प्रोपागंडा ये है कि आर ओ साहिबान ने बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में पैसे बटोरे हैं। एक तरफ कैरेट था, दूसरी तरफ स्टिक था, पैसे भी लिए गए हैं और साथ ही साथ उनको मजबूर भी किया गया। ये मामलात आपके सामने भी आए हुए हैं, यहां पे मेरे वोटर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट में बहुत बड़े वोटर्स हैं हमारे, उन्होंने कैंपों का दौरा किया, वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार को जिताया गया उसका कैंप ही नहीं था, उसके पोलिंग एजेंट्स ही नहीं थे। तो ये सारे मामलात हुए हैं, एक मजाक बनाया गया है इलेक्शन प्रोसेस को। हामिदुल हक साहब ने वोट्स लिए हैं 24,000, अरबाब जरक साहब ने लिए हैं 9,000, और ऑफिशियल रिजल्ट में अरबाब जरक साहब को 22,000 वोट दिए गए। हर हलके में ये मामलात हुए हैं,
मेरी आपसे गुजारिश है, ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतजाज का, वो जारी रखेंगे। और उसके साथ साथ आप मीडिया से भी गुजारिश है, हम आप तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं, आपने भी इंसाफ का साथ देना है, आपने भी इस आवाज को उठानी है। यह हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, यह कानून की बालादस्ती का सवाल है, इसमें आपने भी हमें असिस्ट करना है। बहुत शुक्रिया महमूद जान साहब। ये एक स्टेटमेंट महमूद जान साहब दे रहे हैं, फिर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जी, सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि एक मेरे मुखालिफ जो कैंडिडेट था जिसने एनए में, पूरे एनए में 14,000 वोट लिए हैं, रहमतुल्ला साहब ने एनए में 14,000 वोट लिए हैं और पूरे पीके में वो 18,000 वोट ले रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा करें कि वो क्या हुआ है। दूसरी बात, अरबाब आलमगीर जो है वो 25,000 वोट लेता है पूरे एनए में, और इसका बेटा सेम निशानात है, निशानात भी सेम है, और उसका बेटा 24,000 वोट लेता है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगाएं कि बस सिर्फ वो जल्दी में उन्होंने सिर्फ हेरा फेरी में लफ्ज आगे इनसे लगा दिए, बाकी इनको समझ नहीं आ रही। एक्चुअल रिजल्ट फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं, ओरिजिनल में अटेस्टेड हैं। ये मतलब अगर ये कहें कि ये फॉर्म 44 और 45 और हैं, तो तमाम कैंडिडेट हमारे अलावा जो हमारे मुखालिफिन के पास भी वो मालूम है, और अदालत में सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने जो दांडी की है, मैं अपने आरओ की बात करूँगा, रात के तकरीबन 2 बजे, रात के 2 बजे कुछ अफराद आए, मैं कहूँगा नामालूम अफराद आए और उनको गाड़ी में बिठा कर ले गए, और जो पहला उनका किरामत का रिजल्ट शेयर किया गया फेसबुक पे पेजेस में, उस पे आरओ के सिग्नेचर भी नहीं है। आपने देखा होगा, मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है, पहला रिजल्ट किरामतुल्लाह का जब शेयर किया गया तो उस पर आरओ के दस्तखत नहीं है। आरओ को उठाया गया, अभी तक वो गायब है, उनका पता नहीं चल रहा, और बाद में उससे साइन करवाया गया। तो मैं तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आरओ को बाजियाब किया जाए कि वो कहां पे है। दूसरा, जो कमरान ने बात की कि करेट भी लिए गए और डंडा भी था, यही बात हुई, करेट भी लिए गए और पीछे डंडा भी था, तो डंडे के जोर पे सब कुछ हुआ है। थैंक यू जी। आप क्वेश्चनों की भी आगे जवाब के जी, एक तो आपका जो बगैर रिजर्व सीट्स के जो रिजल्ट आए हैं जी, देखिए ऐसे है कि कल की जो कोर कमेटी मीटिंग्स थी वो मैंने नहीं अटेंड की, क्योंकि मैं अपने हलके और पेशावर के सारे कॉलीग्स को जो है वो हम साथ मिलके कोर्ट गए थे। केपी में तो किसी से अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है, बगैर रिजर्व्ड सीट्स की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ गई है, और इंशाल्लाह ठीक है, पता चल गया है कि सरकारी निज़ाम को कैसे ठीक करना है, वो भी पता चल गया। चाहे हम असेंबली में हों या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना, चाहे हम हुकूमत में हों या ना हो, हमारे दोस्त तो होंगे ना। मैंने तो कह दिया मैं तो बड़ा खुश होऊंगा असेंबली से बाहर, क्योंकि 4 साल सिर्फ जेब से जो है वो खर्चा ही भरा है, 5 साल ठीक है। सेंटर पे भी इंशाल्लाह पार्टी डिसाइड कर लेगी, हुकूमत पीटीआई की बननी चाहिए। पंजाब में भी तारीखी रिजल्ट आया है, जो हमारे साथ हुआ है ना, मैंने आपको डिटेल दिया, वही चीज पंजाब में हुई। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के बेटे से बात की है, मेहर बानो कुरैशी के हलके पे हुआ है, सलमान अकरम राजा 80,000 वोट से जीते हैं, राइट, कैसे हो सकता है, ये चीजें वहां पे भी हुई हैं, इससे पता। अच्छा, और एक दो चीजें मैं फॉर्म 45 भी आता हूं। पहली चीज जो ये साबित करता है कि जो लोग हमें कह रहे थे, हमारे फॉर्मर कॉलीग्स, कि हमारे डब्बे भरे जाएंगे,
अपना उन्होंने पॉलिटिकल करियर भी खराब कर दिया, अपनी इज्जत भी खराब कर दी, और उनको इस्तेमाल करके जो है वो टिश्यू पेपर की तरह फेंक भी दिया गया। इसीलिए तो हम नजरियाती सियासत के साथ खड़े हैं, और अभी भी ऑनेस्टली हमारा ऑब्जेक्टिव इस मुल्क को जोड़ना ही है। हम मजीद इंतशार नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने फॉर्म 45 की बात की, ये पूरी लिस्ट मैं यहां पे छोड़ दूंगा, ये सारे हैं। इसमें आप ये देख लें, इसमें आपको नजर आएंगे ये अंगूठे भी हैं सब पे, ये मेरे हलके के, एक एक पे आप देख सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ ये मेरा और जलाल का नाम साथ साथ है, मैं आपको 5-6 सुनाता हूं। 405 और 29, 329 और 7, ये मेरे और इसके वोट का फर्क है। 157 और 0, 247 और 2, 651 और 54, और ये सारा वो है, ठीक है, ये आप फिर देख लेंगे। ये हर कैंडिडेट आपको अपनी कॉपी देगा। मैं एक बात करना चाहता हूं आपको। मैं जब आरओ साहब के सामने गया तो उसने मुझे क्या कहा कि यार मैंने बड़े गुर्बत में तालीम हासिल की है, मैंने बड़े गुर्बत में तालीम हासिल की है और मैंने नौकरी करनी है। और इसी तरह मैं डीआरओ के पास भी गया और उसने मुझे यही कहा कि यार हमने बड़े तकलीफ से अपनी तालीम हासिल की है और हम कुछ भी नहीं कर सकते।